बोलते हैं, अजी के बतावा छोरे के पीलियो गयो पानी कौन जच्चियो। सुरत को अबो ससुरो पीलियो ब्याह के बाद ही होनो पहली को नहीं हो। एक बात देखो, वो पीलियो ब्याह के बाद ही होनो आदे पहली नहीं। तो कहने का मतलब क्या है सजनों, जब बेटा योग्य नहीं होता ना, हम अपने संतान को योग्य नहीं बनाते ना, तो फिर इस तरह से करना पड़ता है। और सजनों अगर योग्य होता है तो आज भी बच्चियों की कोई कमी, मैं तो कहता हूं अच्छे लड़कों की कमी है, लड़कियों की नहीं, अच्छे लड़कों की कमी है महाराज आज के समय। पीने चढ़ने वाले खाने वाले उल्टे सीधे, पहले पता नहीं चलता बाद में महाराज बड़ी समस्या आज के समय में। बाप को ही नहीं पता कि मेरा बेटा कहां जाता है, क्या करता है, कहां आता है। फिर जब नहीं होता तो महाराज फिर स्वामिनी बोलनी पड़ती है, हे बालाजी महाराज छोरे को ब्याह हो गया। तो तेरे देखो भक्ति तो है बालाजी की, तभी बोल रहा है। अच्छा चलो बालाजी की कृपा से, भगवान की कृपा से कैसे तैसे जोड़ थोड़ करके महाराज छोरे का ब्याह हो गया। लेकिन बालाजी की स्वामिनी तो क्या, भोग लगाना भी बंद कर दिया बालाजी के। बालाजी बोला रहे भगत ये क्या किया, तू तो बोला था छोरे का ब्याह होते ही स्वामिनी करूंगा, तूने तो भोग लगाना ही बंद कर दिया, स्वामिनी का क्या हुआ। तो पता भगत क्या बोला, भगत बोला बाबा क्या स्वामिनी करूं, बोले क्यों, बोले इसी निखट्टू बहू आई है मेरी रोटी और बंद होगी, क्या स्वामिनी करूं, ऐसी बेकार बहू आई है महाराज। अब देखो भक्ति घट गई। बात समझाने का क्या कारण है, ये उदाहरण देने का मतलब ये है कि बेटे की ब्याह के लिए आपने स्वामिनी बोली, भक्ति आपके अंदर में आई, तो महाराज वो भक्ति घटी बड़ी नहीं। और एक तो निस्वार्थ की भक्ति होती तो हे बालाजी महाराज चाहे छोरे का ब्याह हो या नहीं हो, चाहे बहू आए या नहीं आए, मुझे तेरी स्वामिनी करनी है तो करनी है, मुझे तेरा नाम लेना है तो लेना है। ये तो संसार के रिश्ते नाते चलते रहते हैं, कोई कुंवारा कोई शादीशुदा कोई महाराज, जिसकी जैसी करनी वैसा फल उसको मिलता रहता है। ये तो महाराज देखो ये ब्याह शादी ये सब कोई भगवान की कृपा वाली बात नहीं है। भगवान की कृपा किस में मालूम है, हमको भक्ति मिले सत्संग मिले तब तो भगवान की कृपा है। अरे महाराज ब्याह शादी बेटा ये तो महाराज पापियों के भी हो जाते हैं, पापी व्यक्ति का ब्याह नहीं होता क्या, बेटे नहीं होते क्या, धन नहीं आता क्या। तो ये आज के समय में हम ये भगवान की कृपा मानते हैं कि बेटे का ब्याह हो जाना, बहू आ जानी और महाराज ये घर बन जाना मकान बन जाना, और हम बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारे पर भगवान की बड़ी कृपा है महाराज, बड़ी अच्छा धंधा चलता है, अच्छा मकान बना हुआ है। अरे भगवान की कृपा ये नहीं है मेरे भाई, भगवान की कृपा तो तब मानना जब तुम्हारे जीवन में भजन बन रहा है, सत्संग बन रहा है, तुम भगवान का नाम ले पा रहे हो तो मानना कि हाँ वास्तव में हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। और नहीं तो भैया चाहे तुम कितने भी राजी हो जाओ, महलों में बैठ करके कोठियों में बैठ करके, ये कोई भगवान की कृपा वाली बात नहीं है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो महाराज खाटू श्याम जी पैदल जाते हैं, किस लिए, बोले महाराज जब तक बाबा के यहाँ नहीं जाते थे तब तक हमारे पास कुछ नहीं था, और जब से खाटू श्याम जी पैदल जाने लगे तो छोरे का काम भी बढ़िया चालन ला गया, बहू भी बढ़िया आ गई, मकान भी बढ़िया बन गया, बाबा ने मेहरबानी कर दी। अब बताओ हम इसी को मेहरबानी माने बैठे, इसी को बाबा की कृपा माने बैठे, ये बाबा की कोई कृपा नहीं मानी जाती है। बाबा की कृपा तो महाराज तब मानी जाएगी जब हम भगवान का नाम लेने लगे। बैठ अकेला दो घड़ी तो कभी तो ईश्वर ध्याया कर, हमारे जीवन में महाराज ये स्थिति आ जाए, ऐसी भक्ति जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो, तो ये मान लो कि हमारा जीवन धन्य हो गया, आज हम भगवान के परम प्रिय बन गए। सबसे सरल मार्ग परमात्मा को प्राप्त करने का बताया है भगवान की भक्ति। धर्म का फल क्या है, धर्म का फल सजनों धन नहीं है। आठवां श्लोक नौवां श्लोक दूसरे अध्याय का प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का नौवां श्लोक, इसमें धर्म का फल बताया। धर्मस्य
अपवर्गस्य धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। सजनों, धर्म में तो हम धन इसलिए लगाते हैं कि हमारे पास में है, ध्यान देना। धर्म में धन क्यों लगाते हैं? है और धन लगना है, या तो धर्म में लगा लो या बुरे काम में लगेगा। भाग्यशाली व्यक्ति वो है कि जिसके पास में धन आए और वो धर्म में लगाए, तो भाग्यशाली है। और धन आया अपने खा लिए, अपने पी लिए, मौज उड़ा ली, बढ़िया गाड़ी लिया, बढ़िया मकान बना लिया, माँ बाप तरसते रह गए, बेटा भागवत बचा दे, भागवत चले तेरे भागवत की पड़ी है, मेरे बेटा बेटी ने संभाला। वो भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली वो व्यक्ति है जो धर्म से धन से धर्म करता है। हमारे पास पैसा है, वो लगेगा, चाहे बुरे काम में लगा लो चाहे अच्छे काम में लगा लो। पैसा किसी के पास टिका नहीं है मेरे भाई, पैसा किसी के पास टिका नहीं है। लक्ष्मी चंचल है, वो रुक नहीं सकती, वो तो जाएगी, पर अच्छे काम में लगाई तो तुम्हारा नाम कर जाएगी, और बुरे काम में लगाई तो तुम्हारा तुम्हें बदनाम। पहले अब तो खैर जमीनों के भाव बहुत डाउन ऑन वापस ऐसे हो गए। एक बार जब जमीनों के भाव ऐसे चले जाना तो कई लोग महाराज करोड़पति बन गए थे, और करोड़पति बनने के बाद किया क्या? कोई दारू पीने लग गया यार, कोई गाड़ी ले आया यार, कोई लट सोटा करने लग गया, कोई सिर फोड़ने लग गए, किया क्या? जो भाग्यशाली व्यक्ति थे महाराज, उन्होंने तो दान धर्म पुण्य, भैया जो मन में उनकी इच्छाएं थी वो पूरी कर ली, कि चलो भैया मन में बहुत इच्छा थी, ठाकुर जी ने धन दिया तो कुछ अच्छा काम कर ले। और महाराज जो ऐसा नहीं कर सके, उन्होंने क्या किया? अचानक पैसा मिला, महाराज पीना चरना बढ़िया, होटल में खाना, घर में खाना नहीं बनाने लगे, बाद में तो होटल में खाते रहे, और वो सारा पैसा जयराम जी की, ये पैसा महाराज ऐसे लग जाता है, क्योंकि इस धन का नाम मालूम है क्या है? धन का नाम क्या है? दौलत। क्या नाम है? दौलत। यानी जब भी आती है ना तो दौलत मारती है महाराज, जिसके पास आएगी ना ये दौलत, नाम ये दौलत, लत माने लात और दो, समझ गए? जिसके पास भी धन आता है ना दौलत मारती है। पहली लात कहां मारेगी? पीठ में। जब धन आता है ना तो पीठ में लात मारती है, और पीठ में लात मारती है महाराज आदमी अखड़ने लग जाता है, ऐसे है। धन आती है देखना आदमी अखड़ेगा, क्योंकि लात मान लो पीठ में पड़ गई, लात आ गया धन, सोच लो पहली लात ये दौलत पीठ में मारती है तो आदमी अखड़ जाता है। भाई भाई से नहीं बोलता, एक भाई के पास दौलत आ गई तो गरीब भाई को ऐसे ही है, पूछेगा ही नहीं। लेकिन महाराज ये दौलत जब जाती है तो दूसरी लात मार के जाती है, और वो कहां? पेट में। और जैसी पेट में लात मारती है वैसे झुक जाता है महाराज, कहीं का नहीं रहता। इसलिए भैया इस दौलत का कभी अभिमान मत करना। धर्म इसलिए नहीं कि धन आए, धन है इसलिए हम धर्म में लगाते हैं, नहीं बुरे कर्म में लगेगा, हमें बदनाम कर देगा, इसलिए उस धन को हम धर्म में लगा देते हैं, ताकि यहाँ भी वाह वाह हो और वहां भी। महाराज किसी के पास में धन है, भागवत की कथा करवाई तो वाह 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 नहीं हुआ? वाह क्या बढ़िया महाराज, 7 दिनों तक आनंद करवा दिया, क्या 7 दिनों तक खूब बढ़िया ठाकुर जी का नाम लिया, वाह वाह हुई कि नहीं हुई? और वही महाराज आप उल्टा सीधा नाच कूद करवा लो, कोई वाह वाह होगी क्या? खूब पीना चढ़ना कर लो, वाह वाह होगी क्या? लोग ये कहेंगे। धर्म का फल क्या है? तो फिर अगर धर्म का फल धन नहीं है तो क्या है? तो वही बात इस श्लोक में बताई, धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थार्थायोपकल्पते। अपवर्गस्य धर्म का फल है अपवर्ग, अपवर्ग सुख। अपवर्ग माने जहां पवर्ग नहीं हो, 5 चीजों का भय नहीं हो। पवर्ग माने पै फै बै भय और मैं,
इन पांच का भय नहीं हो उसे अपवर्ग कहते हैं। पैमाने पतन, फैमाने फलासा, बैमाने बंधन, भैमाने भय डर और मैमाने मृत्यु। इन पांच चीजों का भय नहीं हो उसे कहते हैं अपवर्ग। पतन फलासा बंध भय मृत्यु जहां पर नाई और पै भय 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 में रहित सो अपवर्ग कहाई। और ये पांचों चीज कब नहीं होती? जब व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, यानी मोक्ष हो जाने के बाद में पतन भी नहीं होता, भय भी नहीं होता, कोई फल की इच्छा नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, बंधन नहीं होता, इसलिए मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। वो रामायण में सुंदरकांड में दोहा आता है ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। उसी अपवर्ग की चर्चा इस श्लोक में की गई है, धर्मस्य अपवर्गस्य। ये बात वही है, अपवर्ग सुख की प्राप्ति, यानी धर्म करने का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति, स्वर्ग की नहीं। आज हम कोई भी कामना करते हैं तो किस लिए? बोले महाराज स्वर्ग मिल जाए। ये स्वर्ग मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान दे, स्वर्ग की कामना नहीं करते। भगवान के भक्त तो परमात्मा के चरणारविंद की कामना करते हैं, प्रभु हम तेरे चरणों में समर्पित होना चाहते हैं। तो कभी भी कोई भक्ति का काम करो ना, कोई भी पूजा करो, पाठ करो, सत्संग करो, भागवत करो, भागवत श्रवण करो, तो उसके फल स्वरूप आप ये कामना मत करो कि धन आ जाए, दौलत आ जाए, बेटे का ब्याह हो जाए या महाराज हमको स्वर्ग मिल जाए। नहीं प्रभु, हमें तो तेरी शरणागति मिल जाए। और महाराज परमात्मा की शरणागति मिल गई तो सब कुछ मिल गया, प्रभु मिल गए तो हमारा सब कुछ मिल गया। ये बात यहाँ पर बताई, धर्म का फल धन नहीं है, धर्म का फल है परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? रावण और कंस को तो वहां बैठे बैठे वो परमात्मा मार सकते हैं मेरे भाई, लेकिन जो सुख राम बनकर के माँ कौशल्या को दिया, जो सुख कृष्ण बनकर के माँ यशोदा को दिया, क्या वो परमात्मा वहां बैठे बैठे दे सकते हैं? यानी दुष्टों को मारने के लिए नहीं, अपने भक्तों को तारने के लिए भगवान का अवतार होता है। ये बात यह बताई, कितने अवतार होते हैं? बोले अवतारों की कोई गिनती नहीं, जितने भक्त हैं उतने ही भगवान के अवतार हैं, लेकिन मुख्य 24 अवतार हैं जिनकी चर्चा आगे आएगी। जीव के जीवन का लक्ष्य क्या है सजनों? जीव के जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। केवल हमारा लक्ष्य इतना ही है, कमा ले, खा ले, बाल बच्चे पैदा कर लें, उनको बड़ा कर दें, तो इसमें तो कुकर सूकर हमसे ज्यादा आगे हैं। बच्चे पैदा करने में भी, पालन पोषण करने में भी हमसे ज्यादा आगे, पशु पक्षी ज्यादा है, खाने पीने में भी हमसे आगे हैं। आगे नहीं है तो किसमें? भगवान का भजन, यानी हमारे में और पशुओं में अंतर कब होगा? अगर हम भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं परमात्मा का, तब तो सजनों हम मनुष्य कहलाने योग्य हैं। और नहीं तो कुकर सुकर में और हम में कोई अंतर नहीं है। चाहे तुम कितनी बड़ी कोठी बना लो, बंगला बना लो, गाड़ियां ले आओ, कितनी बड़ी फैक्ट्रियां चला लो, एसपी डीएसपी कलेक्टर कुछ भी बन जाओ, कितने बड़े महाराज पद पे बैठ जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं है, ध्यान नहीं है, तो महाराज मन महाराज मनुष्य बिना पूछ के, बिना सिंह के, और वो पशु जैसा ही कहलाएगा। जैसे संसार क्या है सजनों, एक उदाहरण से समझो। इस श्लोक का मैं पूरा सारे को उदाहरण से बता दूं। एक ट्रेन की यात्रा, जैसे आप ट्रेन का सफर करते हो तो जैसे ही ट्रेन में टिकट बुक है कि कहां से कहां तक जाना है, ऐसे ही हर आदमी का एक सफर तय है। कौन व्यक्ति कहां से चलेगा,
और किस स्टेशन तक जाकर उसको उतरना, उतरना मतलब मरना। अब जब आप गाड़ी में बैठे तो पहले से पांच सात यात्री आपको मिले, मिलते ही सीट पे, एक दो चार को मिल ही जाते हैं बैठे पहले से। टिकट किसी और की भी बुक होती है भाई वहां पर, ठीक है, हमारी तो बुक है नहीं। ये जो संसार है ये गाड़ी है, इसमें हमारी सीट बुक है। कौन सी जगह एक सीट बुक है महाराज? जब इस संसार में आए तो हमें यात्री मिले कौन? माता पिता। किसी को यात्री ज्यादा मिल जाते हैं, भाई बहन भी मिल जाते हैं तो और ज्यादा यात्री मिल गए। किसी को माता पिता रूपी यात्री तो मिलते ही मिलते, दो यात्री तो मिलने ही मिलने, तभी संसार में आएंगे। माता पिता रूपी दो यात्री मिले, फिर भाई बंधु कुटुंब कबीला मिला, ये यात्री है। अब महाराज हम भी, हमारी सीट भी बुक हो गई, हम भी यात्रा करने लग गए। चलते 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 जो पहले यात्री बैठे थे उनका स्टेशन आ गया और वो उतर गए, यानी माँ बाप दुनिया से उतर गए, महाराज स्टेशन आ गए। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी, एक दिन हमारा भी स्टेशन आ गया और हमें भी। अच्छा, अगर यात्री अच्छे हो तो यात्रा अच्छे से कटेगी महाराज, और यात्री खराब हो तो यात्रा तो करेंगे, टिकट थोड़ी कैंसिल करवा देंगे, यात्रा तो करनी पड़ेगी। इसका मतलब समझे, परिवार के मेंबर अगर अच्छे हो तो भगवान की कृपा महाराज ये जीवन की यात्रा अच्छी कट जाएगी, और परिवार के मेंबर पति पत्नी भाई बंधु कुटुंब कबीला अच्छा नहीं मिला तो भी यात्रा तो करनी पड़ेगी महाराज। संसार है, यात्रा तो करनी पड़ेगी। जिसका स्टेशन जहां आता जाएगा वो वहां उतरता जाएगा, और एक दिन हमारा आएगा, हम भी उतर जाएंगे। अब कोई कहे नहीं हम तो नहीं उतरेंगे तो टिकट महाराज खत्म हो गया, उतरना नहीं चाहेंगे तो क्या होगा? वो काले कोट वाला टीटी आएगा, जबरदस्ती उतार देगा महाराज, फाइन और लगा देगा ऊपर से। काले कोट वाला टीटी कौन? जम के दूत। नहीं उतरना चाहे तो भी, ये जीवन की यात्रा है महाराज। इस जीवन की यात्रा में अगर हम परमात्मा का भजन कर लेते हैं महाराज, तब तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, नहीं तो पशुओं की तरह फिर वही लख 84 योनियों का चक्कर तैयार है। ऐसा सुंदर महाराज धर्म किसकी शरण में गया? धर्म संतों की शरण में गया, परमात्मा के अवतारों की वर्णन करते हुए। और महाराज महर्षि व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत नारद जी प्रदान करते हैं, अपना पूर्व चरित्र नारद जी महाराज ने श्रवण करवाया, किस प्रकार वो दासी के पुत्र थे और संतों की कृपा, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि आज वो नारद ब्रह्मा पुत्र नारद बनकर के और जन्म अवतार लिया। इस प्रकार महाराज उन्होंने अपने जीवन की कथा को सुनाया, और इसके बाद में व्यास जी महाराज आंख बंद करके ध्यान लगा करके बैठे, उन्होंने चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, उसका विस्तार किया। सजनों ये चतुश्लोकी भागवत है, ये सबसे पहले भगवान नारायण के मुख से निकली। जो चतुश्लोकी भागवत है जिसका आगे महाराज वर्णन आएगा द्वितीय स्कंद में, द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 32-33-34-35 श्लोकों में वहां वर्णन आएगा आगे। तो ये जो चतुश्लोकी भागवत है ये सबसे पहले नारायण के मुख से निकली हुई। नारायण ने इस भागवत का उपदेश दिया ब्रह्मा जी महाराज को, और ब्रह्मा जी महाराज ने भागवत का उपदेश दिया नारद जी महाराज को, और नारद जी महाराज ने भागवत का उपदेश किया व्यास जी महाराज को, और व्यास जी महाराज ने भागवत का उपदेश किया सुखदेव जी महाराज को, और सुखदेव जी महाराज ने भागवत का उपदेश किया परीक्षित को। आगे धरती पे भागवत, ये ऐसे महाराज ये भागवत की परंपरा वंशावली इस प्रकार महाराज चली। बहुत सुंदर कन्हैया ला।
बहुत सुंदर चतुर्श्लोकी भागवत का विस्तार 18,000 श्लोकों में व्यास जी महाराज करते हैं और बड़ा ही सुंदर प्रसंग भगवान की भक्ति का किस प्रकार पांडवों के 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा जब कर देते हैं और द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को पकड़ करके ला करके अर्जुन डाल देते हैं और द्रौपदी की करुणा का महाराज यहां पर अपने पुत्रों के दुख को भूल करके और द्रौपदी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को छोड़ने के लिए कहती है मुच्यता मुच्यता मेश ब्राह्मणों नितराम गुरु हे आर्य पुत्र इसे छोड़ दो क्यों क्योंकि ब्राह्मण तो क्षत्रियों का गुरु रहा है और ये तो गुरुपुत्र है। महाराज द्रौपदी कहती है छोड़ दो, भीम दादा कहते हैं छोड़ना मत, अर्जुन के समझ में नहीं आया करें क्या, यानी ये कथा शिक्षा देती है हमारे जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए क्या करें क्या नहीं करें तो प्रभु की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। भगवान की शरण अर्जुन ने ग्रहण की और महाराज जैसे ग्रहण की तो भगवान ने कहा अर्जुन हम तो वही करेंगे कहेंगे जो शास्त्रों में वर्णन है। और भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदारहण मये वो भय मामनाथम परिपायानुशासनम। ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों न हो, कितना भी बड़ा गुनाह क्यों न कर दे, लेकिन महाराज उसे शरीर दंड नहीं दिया जाता और बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी क्यों न हो उसे छोड़ा भी नहीं जाता। भीम दादा बोले प्रभु आप जैसे दो चार न्यायाधीश हो गए तो चल गया दुनिया का न्याय, क्यों अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और बालकों का भी हत्यारा है, क्या करें इसके साथ। लेकिन अर्जुन ने गीता का उपदेश सुना था इसलिए समझ में आ गया, क्या बोले बड़ों का माँ बाप का और ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। शरीर दंड देना शरीर से मौत मौत नहीं है। बच्चे जब माँ बाप के सामने महाराज जुबान लड़ने लग जाते हैं ना तो माँ बाप भले श्वास ले रहे हैं, श्वास तो लुहार की धोखनी भी लेती है, लेकिन उनकी मौत तो तभी हो गई जब बच्चों ने उनका अपमान किया। माँ बाप का ब्राह्मण का बड़ों का अपमान ही उसकी मृत्यु है। यानी अश्वत्थामा के जो मस्तिष्क में मणि थी उसको निकाल लिया और धक्का देते हुए अपमान करके निकाल दिया। महाराज अश्वत्थामा ने द्रौपदी की करुणा का कोई महत्व नहीं समझा और महाराज ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ पर, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। जब महाराज उसका गर्भ जलने लगा तो दौड़ करके उत्तरा भगवान की शरण में गई और भगवान की शरण में जाकर के कहने लगी पाई पाई महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाई माम पाई माम रक्ष माम रक्ष माम, हे प्रभु मामे गर्भो निपात्यताम, मैं मर जाऊं इसका कोई गम नहीं है लेकिन मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए, क्यों ये पांडवों का वंश है, अगर ये नष्ट हो गया तो लोग कहेंगे जिन पांडवों को भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास था अरे उनके वंश में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं रहा, भक्ति पर कलंक लग जाएगा प्रभु, इसलिए मामे गर्भो निपात्यताम। और महाराज भगवान ने तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और उस बालक की रक्षा की और वही बालक आगे चल करके परीक्षित रूप में महाराज जन्म लेते हैं, वही परीक्षित बने। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक जिनकी रक्षा भगवान ने की, परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई। इससे पहले महाराज माता कुंती ने जो
वरदान मांगा, विपदा संतु ने सस्वत, मेरे जीवन में विपत्तियों के पहाड़ टूटते रहें। इस कथा का निरूपण किया गया पितामह भीष्म जो सरसैया पर महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं। हम और आप तो मखमल के आसन पर बैठ करके भगवान का भजन नहीं कर सकते, दल्लभ के गद्दे पे सोकर के भगवान का भजन नहीं कर सकते। सजनों, हमारे घर की परिस्थितियां ऐसी है, हमारा जीवन ऐसा है, ये सब भजन न करने के बहाने हैं। भजन अगर करना हो ना तो पितामह भीष्म को देखो, बाणों की सैया है महाराज, खून टपक रहा है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है महाराज, लेकिन परमात्मा का स्मरण नहीं भूल रहे, भगवान का नाम लेना नहीं भूल रहे। मुख से श्री कृष्ण का स्मरण। और एक बात और ध्यान देना, आज हमारे जीवन में थोड़ी सी आपत्ति आई, हम महाराज आत्महत्या कर लेते हैं। कई लोग होते हैं ना, घर में झगड़ा हुआ, कोई जहर खा गया, कोई फांसी लगा ली, कोई महाराज वो ट्रेन के आगे कूद गया, कोई बस के आगे कूद गया, होता है ना। इस पितामह भीष्म की कथा से आप शिक्षा लो। क्या बोले? पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इच्छा मृत्यु का, जब चाहते तब वो अपने प्राण छोड़ सकते थे। रोम रोम में बाण लग गए फिर भी अपने प्राण नहीं छोड़े। क्यों? बोले जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं आ जाता और भगवान मेरी आंखों के सामने नहीं आ जाते तब तक, हे अर्जुन, अभी अगर बाणों की कमी रह गई हो तो और मार ले, लेकिन मैं अपने प्राणों को नहीं छोड़ूंगा। अब इतना अनमोल शरीर अपने को मिला है सजनों, और थोड़ी सी बात में हम इसे खत्म कर देते हैं। अरे भैया, दोबारा नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। संसार के छोटे मोटे झगड़ों से दुखी होकर के, संतान औलाद बहु बेटों से दुखी होकर के हम रोना शुरू कर देते हैं और मरने की कामना कर लेते हैं कि हे भगवान अब तो मर जाएं। कभी ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए। अरे जितने संकट आए, जितने दुख आए, तो हमें और इस बात को सोचना चाहिए कि भगवान हमारे जीवन में ये दुख इसलिए ला रहे हैं कि हम सारी दुनिया को छोड़ करके सिर्फ परमात्मा का ध्यान करें। हमारे जीवन में ये दुख इसलिए आ रहा है कि हमारी ममता किसी के प्रति नहीं हो, सिर्फ परमात्मा के प्रति हमारी ममता हो, मोह हो। इसलिए भगवान बेटा भी विपरीत कर दिया, बहू को भी विपरीत कर दिया। हम जिनको चाहते थे सब हमारे प्रतिकूल हो गए। क्यों? भगवान चाहते हैं तो किसी को मत चाह, सिर्फ मेरे को चाह। इसलिए पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सोए हुए और भगवान को बुला रहे हैं, कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 जाने कब आएगा मुझे अपना बना। ओ भर दे रे
राधे।